नमस्कार दोस्तों, अर्ली उड पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो यहां से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो देख के जो आपकी समस्या है वो सॉल्व होती है। तो वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलो दोस्तों वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो में जो जानकारी देने वाले हैं, जो आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा, तसल्ली मिलेगी और हो सकता है बीच में कहीं हंसी भी आ जाए, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, बहुत तगड़ा बहुत मस्त वीडियो होने वाला है। और देखो सुप्रीम, आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों, जो कल जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की अपील को खारिज कर दिया। यहाँ खुश हो जाओ, आरबीआई की अपील को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। क्यों खारिज किया? क्योंकि आरबीआई आपको झटका देने वाली थी और झटका देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। नहीं, तुम झटका नहीं दे सकते आम जनता को, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे, तो आगे हम बात करेंगे उसमें। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिल गया, आरबीआई को अपील खारिज कर दी है और 6 नवंबर की गुड न्यूज़ हम बता रहे हैं, जनता खुश हो गया है, दिवाली की खुशखबरी मिल गया है और मोरेटोरियम पर बहुत बड़ी राहत, यानी अब जो कुछ भी होना है वो सब दिवाली के बाद, पहले दिवाली मनाओ, ठीक है। और इन सभी का मतलब यही है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट से बिग रिलीफ, वेरी बिग रिलीफ आप सभी लोगों को मिली है, ठीक है। तो देखेंगे इस वीडियो में कैसे मिली है, क्या क्या कुछ मिला हुआ है। वीडियो में बने रहिए, 3-4 मिनट का वीडियो जाएगा और कोशिश करेंगे मेन पॉइंट आपका कवर करने का, ठीक है। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको, हमने आपके लिए जो रिपोर्टें तैयार करी है ये है एक, और दूसरा ये वाला है। ये रिपोर्ट सारा चीज़ हम आपको एनालिसिस करेंगे, बताएंगे और आपकी जो समस्या है इन सभी में सॉल्व हो जाएगा। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम जरा एक न्यूज़ ही दिखा देते हैं यार, कैसे आरबीआई को झटका लगा तगड़ा। ये देखिए, ये गूगल पर आप क्या करोगे, गूगल तो करने आता ही है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिजनेस लाइन, द हिंदू को तो जानती हूँ, बहुत तगड़ा वाला न्यूज़पेपर है, बहुत एनालिसिस होता है इनका, ठीक है ना, IAS IPS वगैरह में भी। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है द हिंदू, कहता है लोन मोरेटोरियम केस फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टीज विद इंट्रीम ऑर्डर ऑन NPSS RBI, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ, हम हेडिंग से ही सारा चीज़ समझ जाओ। आप कह रहा है जो विथ इंट्रीम ऑर्डर ऑन NPSS RBI to SC, मतलब RBI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जनाब आपने जो NPA को रोकने के लिए, NPA क्लासिफिकेशन यानी एसेट क्लासिफिकेशन नहीं होने देने के लिए, यानी रोकने के लिए जो इंट्रीम ऑर्डर लगा रखा है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है हमें, बहुत दिक्कत हो रही है जनाब। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत दिक्कत हो रही है, तो इस दिक्कत तो अभी हो रही है ना, इनसे पहले तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलो ठीक है, अभी तो दिक्कत तो सबको है, जनता को भी, क्योंकि आपके खजाने में तो अरबों खरबों रुपए पड़ा है, तो आपको दिक्कत हो रहा है, जिसके खजाने में कुछ भी नहीं है उसको क्या हो रहा है बताओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आरबीआई की अपील को ही रिजेक्ट कर दिया। समझ गए बात को, आरबीआई की अपील को रिजेक्ट कर दिया। अब फैसला होगी, अब इसका मतलब ये हुआ जो आपको राहत मिल गया, इसका मतलब क्या, आरबीआई की जो अपील रिजेक्ट हुआ, इस रिजेक्ट से आपको आपको क्या बेनिफिट है दोस्त, इस रिजेक्ट से ये बेनिफिट है जो आरबीआई क्या करेगी, जितने भी बैंक्स हैं, बैंक है, NBFC है, लोन ऐप कंपनी है, इनको आरबीआई कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकती है NPA क्लासिफिकेशन के लिए। न तो लोन को ये डिफॉल्ट में डाल सकता है, न NPA कर सकता है, न रिकवरी कर सकता है। अरे यार, रिकवरी कब करोगे, जब आपको मालूम चलेगा लोन NPA हुआ है या नहीं हुआ, तो ही तो रिकवरी करोगे। जब आपको मालूम ही नहीं है जो लोन NPA हुआ है या डिफॉल्ट में है, तो कैसे करोगे रिकवरी, लोगों को डरा धमका के करेंगे। वो तो रिकवरी वाला तो अपना प्रक्रिया अपनाता है, लेकिन कानूनन रूप से जब आपको कोई जानकारी मालूम रहेगा तब तो आप करोगे कुछ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत है, इसीलिए RBI को इतनी परेशानी हो रही है। समझ में आ गई बात आपको? तो खैर ये तो हो गई मज़े वाली बात। अब बात करते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने NPA क्लासिफिकेशन पर रोक लगा दी है। अब जब NPA क्लासिफिकेशन ही नहीं होगा तो फिर कैसे मालूम चलेगा कौन सा लोन NPA है, कौन सा लोन डिफॉल्ट है, कौन सा लोन क्या है नहीं है। तो जब मालूम ही नहीं रहेगा तो रिकवरी वाला क्या करेंगे, रिकवरी वाले तो तब तक आपको क्या करेंगे, वो वसूली के लिए डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन आपको डरना धमकाना नहीं है, ठीक है। RBI डिसअपॉइंट हो गया है, 4th नंबर पॉइंट में है, कोई कोरेसिव एक्शन भी नहीं ले सकता है। यार जब NPA नहीं होगा तुम एक्शन क्या लोगे आप, समझ गए बात को। अब दूसरा बात करते हैं, अब जो अगली हियरिंग होगी अब 18 नवंबर को होगी, दिवाली तब तक मनाइए, खुशी मनाओ, लड्डू उड्डू खाओ, मुझे भी खिला दो क्योंकि हम भी तो आपके सुख दुख में साथ रहे हैं। वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर लेना। तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।